दोस्तों नमस्कार, हम मौजूद हैं बरेली के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। अभी कुछ देर पहले बरेली के जिला अध्यक्ष इंजीनियर अगम मौर्य जी के निर्देशन में, उनकी अध्यक्षता में एक ज़बरदस्त बैठक हुई है, जिसे बताया जा रहा मासिक बैठक। इस मासिक बैठक में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की तमाम तरीके से आलोचना हुई है। यही नहीं, विधानसभावार आंदोलन और जन जागरूकता के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं, माइक्रो प्लानिंग की गई है। कुछ नेताओं से हम जान रहे हैं इस बैठक के बाद क्या क्या तय हुआ है, आगे क्या करने वाली है बरेली की समाजवादी पार्टी। आइए जुड़ते हैं बरेली समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बरेली के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और यहाँ पर अभी भी कुछ देर पहले एक मासिक बैठक हुई है। रविंदर यादव मेरे कैमरे की नज़र में आप देख रहे हैं। ऐसे बहुत कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, शर्मा जी मौजूद हैं, मोंटी शुक्ला को आप देख रहे होंगे, अध्यक्ष जी से मुखातिब होना चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज किस सिलसिले में आपने बैठक बुलाई थी, क्या निर्देश दिया है? देखिए, जो देश के हालात हैं वह बहुत ही ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। CNRC का मुद्दा इतना ज्वलनशील है और पूरा दिल्ली का चुनाव उस पर पोलराइज कर रही है BJP। कह रहे हैं कि ये भारत और पाकिस्तान का चुनाव है, मतलब वो ये नहीं देख रहे कि जो हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं उनको कितनी पीड़ा में बैठी हुई हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा अपना चुनाव मैनेज करने के ऊपर चुड़ी हुई हैं। क्या निर्देश दिया आपने कार्यकर्ताओं को, अब क्या तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश हैं, निर्देश हैं और जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक ले जाना है। हमें तहसील स्तर पे अब बैठकें करके अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को हर घर 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 पहुंचाना है। कहना चाहेंगे किस सिलसिले में बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो नाकाम नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने निर्देशित किया है सभी कार्यकर्ताओं को। उनके निर्देश के तहत हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे और भाजपा के चेहरे की नकाब उतारेंगे। मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान के अंदर एक धरोहर के रूप में काम कर रही है। जब जब बहुत बड़ा संकट सांप्रदायिक लोगों ने किया है या देश को बांटने और तोड़ने की बात जब जब की है, तो पहले लोहिया जी आगे आए, फिर मुलायम सिंह जी आगे आए, आज अखिलेश जी मैदान में हैं। हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम भाजपा को भी उखाड़ फेंकेंगे और देश को जोड़ने का काम करेंगे और बनाने का काम करेंगे। प्रमोद यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक हुई है जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अगम मौर्य के नेतृत्व में। ये पहली बैठक है और इसमें विधानसभा वार हम लोग कार्यक्रम लगाएंगे। हो सकता है अगले हफ्ते विधानसभा वार कार्यक्रम लगे, समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे और भाजपा की नीतियों को हम जड़ से उखाड़ने का। संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे बैठक को लेकर, क्या है तैयारी? देश आज बहुत गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है और मतदाताओं से बहुत भारी भूल हुई मोदी योगी को लाकर, और निश्चित रूप से आने वाली 9 तारीख को दिल्ली में आपकी सरकार बनकर ये संदेश जाएगा कि देश में मोदी का कितना बड़ा।